बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा चौथा दर्स है और आज मैं आप लोगों को मुख्तलिफ मसाइल में बताने की कोशिश करूँगा जो मेरी नज़र में यानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, तो वही मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो यानी ये जो हमारे घरों में लोग मर्द या हों या औरत हों गुस्ल वगैरह करते हैं, तो ज़रा सा गुस्ल करने में भी यानी इस बात को मद्देनज़र रखें कि जैसे वो लिया एक बाल्टी ले ली या एक लोटा ले लिया, लोटा छोटा सा है या डोंगा ले करके, और उससे उन्होंने गुस्ल किया और धड़ाधड़ सर पे पानी फेंके जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं कि गुस्ल होगा। नहीं जनाब वाला, ऐसा नहीं है, बल्कि आप इतने मेदार वाला लोटा या डोंगा लें कि जिससे आपका सर बाकायदा भीग सके। इसी तरह से दाहिनी तरह जब पानी डालते हैं तो वो दाहिना हिस्सा भी बाकायदा यानी भीग सके। बाईं तरफ भी आप अगर बाईं तरफ भी पानी डालना है तो वो भी भीग सके। हाँ, अगर आपको इस बात का मतलब इश्तबा है यानी इश्तबा यानी शक है कि हमारे बाल कायदे से नहीं धुल पाए हैं, तो आपको चाहिए ये है कि आप यानी उसको यानी सर पे डालेंगे और सबसे पहले ये यहाँ से यानी गुद्दी से आप उसको धुलना शुरू करेंगे और सर के बालों को बाकायदा हिलाएंगे, जुम्बिश देंगे, यहाँ तक कि आपको यकीन हो जाए कि ये पानी जो मैं डाल रहा हूँ वो हर जगह पहुँच गया है। अगर पहली मर्तबा में आपको इश्तबा हो रहा है, शक हो रहा है कि नहीं पहुँचा है, तो आप दूसरी मर्तबा पानी डाल सकते हैं। इसी तरह से आप दाहिनी तरफ भी ऐसे ही करें कि आप अगर पहली मर्तबा यकीन नहीं हो रहा तो दूसरी मर्तबा डाल लें, बाईं तरफ भी इसी तरह से आप कर लें। अच्छा, उसकी नियत जो है ना, नियत में भी लोग गड़बड़ करते हैं, वो बजाय एलल्लाह के इल्लल्लाह कह देते हैं। तो उसकी नियत यह है कि मसलन आप तरतीबी कर रहे हैं, तरतीबी यानी ये के बाद दीगरे जो तरतीब से हो, पहले सर धोया धोया फिर दाहिनी तरफ धोना फिर बाईं तरफ धोना, यही तरतीब है। तो उसकी नियत रहे गुस्ल जनाबत तरतीबी करता हूं मैं या करती हूं मैं, कुर्बतन और बीच में कह लें रफा होने या दूर होने नजासत के, कुर्बतन एलल्लाह, एलल्लाह कहें, इल्लल्लाह नहीं, इल्लल्लाह जहां कहा वहां गलत हो गया। तो यहां पर चूंकि वो जब आप इल्लल्लाह कह देंगे तो वो गोया आप शैतान के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के सिवा कोई और जो भी है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका गुस्ल जो है ना वो इश्तबा में चला जाएगा। और इसी तरह से खवातीन के जो मुतालिक भी गुस्ल वगैरह हैं, मसलन गुस्ल हैज है, गुस्ल इस्तहाजा है, नफास है, ये सब जितने गुस्ल हैं इनके सबकी नियत है। बस उसमें यही जो मैंने अभी आपके सामने नियत मैंने दोहराई है उसको फिर से मैं दोहराई दे रहा हूँ, बयान जो की है कि मसलन गुस्ल हैज करती हूँ मैं दूर होने नजासत के, कुर्बतन एलल्लाह, हाँ उसमें एक चीज जरूर लगा दें, इजाफा कर दें, गुस्ल जनाबत हैज तरतीबी करती हूँ मैं कुर्बतन एलल्लाह, और यह तरतीबी ना भी कहें तो कोई मसला नहीं, चूंकि आप तरतीब से कर रही हैं तो तरतीबी हो गया, लेकिन अगर पढ़ा दें कोई मसला नहीं गया, आपको मसलन पूरी तरीके से यकीन हो जाए। इसी तरह से आप इस्तिहाजा का है और यही नफास का है, बस जनाबत हैज नफास इस्तिहाजा ये बीच में सबकी नियत एक ही तरह की है। हाँ, एक होता है जिस घर में जिस खातून घर में माशाअल्लाह से विलादत होती है, तो मेरे सुनने में आया है ये कि उससे 40-40 गुस्ल कराए जाते हैं, ये गलत है, इस्लाम के में कोई ऐसा गुस्ल नहीं है, या हो तो कोई आकर के मुझसे बता दे कि भाई ये गुस्ल ऐसे हैं, लेकिन कुछ गुस्ल ऐसे होते हैं जो मसलन मालूम ये हुआ कि 40 गुस्ल या 39 गुस्ल कराए जा रहे हैं, 41 गुस्ल कराए जा रहे हैं, इसका भी उसका भी बेचारे, एक तो वो यानी जायचा है वो
उसके वहां विलादत हुई है, कमजोर है भाई, आप कहें गर्म पानी में डाल रही हूं तो गर्म पानी भी आखिर पानी पानी है, वो जैसे ही मतलब हवा लगेगी तो उस पर असर पड़ेगा। ये सब चीजें जो है ना खुराफात की तरफ ले जाती हैं और नुकसान की तरफ ले जाती हैं। बाहर क्या तो ये हो गया यानी गुस्ल का मसला, और इस पर बहुत ध्यान रखें कि गुस्ल का पानी भी पाक होना चाहिए, और आपको भी यकीन हो जाना चाहिए कि जो हमने गुस्ल किया है हम उससे पाक हैं। अब बार बार कोई मतलब वो करता रहे और कहे कि नहीं हमारा तो शक, तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है शरीयत में, और शक की आदमी कभी पाक नहीं हो सकता, मतलब गुस्ल किया अरे शक हो गया, नहीं, शक की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक तो ये हो गया कि नहीं गुस्ल के बाबत में जैसा कि मैंने बताया कि नहीं चौथा दर्स हमारा जो है यानी दर्स हमारा ये आज का चौथा है। तो एक तो मैंने आपको गुस्ल के बारे में थोड़ा इशारतन बताया, ठीक है, और दूसरे ये के मैंने गुस्ल का तरीका और दूसरे ये के सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि यानी आज जो है ना ज़्यादातर लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि मौलाना ये बता दीजिए कि मसलन हमारे जो है ना लिबास पर ये नजासत लग गई है, वो नजासत लग गई है, तो उसको हम किस तरह से नमाज पढ़ें और किस तरह से पाक करें। बार क्या पाक करने का तो वही तरीका है कि पानी जो है ना उससे आप उसको धुलें, इस तरह से पाक होगा। तो ये जो है ना यानी जो अगर हमारा कपड़ा अव्वल तो जो नमाज हम पढ़ रहे हैं, नमाज में हमारा लिबास कैसा होना चाहिए, अहम शय ये है कि हमारा लिबास, चूंकि आजकल फैशन का ज़माना है, तरह तरह के लिबास आ गए हैं और लोग उस फैशन के चक्कर में दिखाने के चक्कर में कि हम बहुत बड़े स्टैंडर्ड हैं और उसमें जो है ना गलत काम कर जाते हैं। मसलन नमाज पढ़ने वाले का लिबास किसी ऐसे जानवर के चमड़े का बना हुआ ना होना चाहिए कि जिसका गोश्त हराम है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सियार का वो लगा हुआ कॉलर में, सियार जानते हैं गीदड़, जिसे उर्दू में गीदड़ कहते हैं और हिंदी में सियार कहते हैं, तो उस गीदड़ का वो चमड़ा जो है ना वो कॉलर में लगा हुआ है और उसको पहने हुए हैं, उसी से वो नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने देखा है, मर्दों को भी देखा है, और बहुत सी यानी ऐसी जो लड़कियां हैं वो भी पहने रहती हैं, जाहिर सी बात नमाज पढ़ती होंगी तो उसी में नमाज पढ़ें, जब सर्दियां हैं तो नमाज पढ़ लेती होंगी। तो ये तो मतलब मैंने देखा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे कपड़े वगैरह पहनते हैं जिसमें यानी जिनका गोश्त हराम है वो उनके चमड़े की चीज़ बनी हुई पहने देते हैं। मसलन आप कहीं गए हैं और आपको नमाज पढ़ना है, जो लोग नमाजी हैं ये उनके लिए कि नमाज पढ़ना है, और आपका बैग जो है था ना, जो आप यानी ये शंता जो लड़कियां ले रहती हैं, इनका क्या बोलते हैं भाई, थैला बोलते हैं, ये जो इनका पर्स रहता है, तो ये पर्स जो है ना वो क्या है कि यानी ये जो मगरमच्छ है इसकी खाल का बना हुआ पर्स, और वो जो है ना गले में लटकाए हुए हैं, गले में लटकाना मजबूरी है कि अगर इधर उधर रख देंगे कोई उठा ले जाएगा, तो गले में अगर लटकाए हुए हैं तो अगर वो पर्स गले में लटकाए हुए हैं और नमाज पढ़ रही है तो नमाज बातिल हो जाएगी। इसी तरह से हराम गोश्त जानवर का बाल भी अगर मौजूद है तो नमाज दुरुस्त नहीं हो सकती। अगर याद रखें कि यहां पर मैं लिख भी दूं कि नमाजी का लिबास कैसा होना चाहिए, नमाजी का लिबास कैसा होना चाहिए, नमाजी का लिबास कैसा होना चाहिए, यानी हलाल जो गोश्त वाले जानवर हैं बस उन्हीं के लिए शरीयत ने इजाजत दी है, उसके अलावा इजाजत शरीयत ने नहीं दी है। यहां तक के अगर हराम गोश्त जानवर का बाल भी लगा हुआ है या आपके कहीं से आके लग गया, मसलन आजकल जो है ना वही फैशन का जमाना है, कुत्ता पाले हुए हैं घर में, बिल्ली पली हुई है घर में, क्योंकि बिल्ली का गोश्त भी हराम है ना,
और शरीयत ने कहा है कि हराम जानवर जिसका गोश्त हराम है उसका बाल भी अगर लगा हुआ है तो भी नमाज में इश्काल है, नमाज बातिल है, इश्काल ही नहीं है। तो इश्काल मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, नमाज बातिल है अगर बाल भी लगा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बिल्ली के बाल भी आप पर लगे हुए हैं, जाहिर सी बात घरों में बिल्लियाँ लौटती रहती हैं और इधर उधर घुसती, नमाज पढ़ लें और घुस के चली आई, बैठ गई पास, जाहिर सी बात हो बिल्ली, ये सब जानवर ऐसे हैं कि जिनके बाल वगैरह लगना जो है ना दुरुस्त नहीं है। कुत्ता घरों में पला हुआ है और कुत्ता तो आईने नजिस जानवर है ना, यानी कुत्ता सुअर काफिर ये जो है ना शदीद नजिस करार दिए गए हैं शरीयत में। तो कुत्ता घर में बैठा हुआ है, इधर उधर टहल रहा है, इधर सोफे बैठा, उसे इधर सोफे बैठा, आप भी जाकर सोफे पे बैठ गए और जब सोफे बैठ गए तो आपके बाल लग गए, उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो जाहिर सी बात है नमाज बातिल हो गई चुके उसके बाद आपके लगे हुए थे। तो नजिस जानवर का चमड़ा या उसके बाल नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग गिलहरी के वो लगा लेते हैं यहाँ पर कॉलरों में, या मतलब किसी जगह पर कपड़े पर अपने गिलहरी का वो लगाए हुए हैं, तो जाहिर सी बात गिलहरी का भी गोश्त हमारे वहाँ हराम है, हलाल नहीं है। तो और ये ऐसे जानवर जिनका गोश्त हराम है जैसे बिल्ली का थूक या नाक का पानी या उसकी कोई और रुतुबत नमाजी के बदन या लिबास पर हो, अगर तर हो तो नमाज बातिल है। अल्लाह बताएगा जो मैंने कहा था वो यहाँ मसला मुझे मिल गया कि ऐसे जानवर जिनका गोश्त हराम है जैसे बिल्ली का थूक या नाक या पानी या उसकी कोई और रुतुबत नमाजी के बदन का या लिबास पर हो, अगर तर हो तो नमाज बातिल है, और अगर सूख गई है तो वो खुद दूर हो गई हो तो नमाज सही है। यानी ये कह रहे हैं कि अगर सूखी है तो वो सही है और अगर गीली है, तो इससे मतलब ये जाहिर होता है कि यानी बिल्ली जो है ना उसके बाल वगैरह जैसे कि मैंने बयान किया तो बाल वगैरह भी कोई इश्काल नहीं चूँकि वो सूखे हुए हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर गोश्त से मैंने मसला निकाला कि गोश्त जिसका हराम है उसका बाल भी अगर लग जाए तो वो यानी नमाज बातिल है, तो उससे मैंने ये मसला लिया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने वाजे कर दिया है कि यानी बिल्ली का थूक वगैरह लग जाए अगर सूख गया है तो कोई मसला नहीं है। तो अजीज़ों एक और चीज़ आपको बताता चलूँ ये कि अगर किसी के बाल पसीना या थूक नमाज पढ़ने वाले के बदन या कपड़े पर हो तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह अगर मरवारीद मोती और मोम और शहद इसके साथ हो तो कोई हर्ज नहीं है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।